हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? यदि सब बढ़िया तो हम क्लास 8 में मॉडल में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर चैप्टर 2 था हमारा, एक्सपोनेंट्स है 2.2 है, 8 के एक क्वेश्चन से चालू करना था। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। इस बार तरीके बदले जाएंगे, सिंपलीफाई बहुत सरल तरीके से कर चुके, बहुत कठिन तरीके से कर चुके, अब इस बार तरीके बदले जाएंगे। 3/2 की पावर कितनी है? 2 है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3/2/2। यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में 3/-4 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 4/-4, ये लिखा जा सकता है, बहुत बढ़िया। इनटू में 7/3/-1 है, तो पहले तो इसकी प्लस 1 कर दी जाए, तो 3/ क्या हो जाएगी? 1। ऊपर जाके 3/ हो जाएगी, नीचे आके 7/ कितनी जाएगी? 1। बहुत बढ़िया, आपसे तो समझ में आ गया आपको। यदि मैं कहूँ कि पावर हो जाती है प्लस, यदि बेस सेम हो तो आपको समझ में आता है, तीनों में नीचे 3 लिखा हुआ तो अपन क्या लेते हैं 3। पावर कितनी है? 2। 2 - 4 और +1 करना है, बोलिए कितना आएगा? 2 - 4 कितना आएगा? -2। +1 करना है तो -1, तो 3/ कितनी हो जाएगी? -1। हाँ, आपको ये बन गया, 3/ कितनी आ गई? -1। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, इसे करते हैं 2 तो रहने देते, इसमें कोई परेशानी नहीं मुझे, पर 4 में मुझे परेशानी है। मैं चाहता हूँ 4 को भी 2 के रूप में लिख लूं। क्या आपको मालूम 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 2 = 4 होता है, होता है, तो 2^-4 कर देंगे और इनटू में 2^-4 कर देंगे इस प्रकार से। हाँ, ये तो आपसे बन गया भाई, 2^-4 हो गया। इनटू में 7/1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब करते हैं, 3^-1 है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 2^ कुछ नहीं तो 1 है। अब सोल्व करेंगे, नीचे बेस सेम दिख रहा है, 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, 2 2 2 बेस सेम दिख रहा है, तो जल्दी से सोल्व करेंगे। पावर हो जाती है प्लस, -4 - 4 - 8, +1 करना है तो माइनस का कितना हो गया? 7। तो 2/ कितनी हो जाएगी? -7। मल्टीप्लाई में कितना है? 7/1। अब ध्यान देंगे, क्योंकि इनमें माइनस लगा हुआ है पावर में, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसे हम करने वाले हैं, 2^-7 है, ऊपर जाएगा तो 2/ हो जाएगा 7, 3^-1 है, नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2^7 डिवाइडेड बाय 3/7 = 21। इस प्रकार से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन समझेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए, तो हमने ए का ए क्वेश्चन किया है, अब आ जाते हैं बी वाले क्वेश्चन पर। बी वाले क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे पास, मैं देखता हूँ। 3/4/-2 है प्लस 2/3/-2 है, 3/4 है -2 प्लस, आगे बढ़ता हूं, -2 है, फिर लिखा हुआ है 2/3/-2, 2/3 है -2 इस प्रकार से, और आगे बढ़ जाए +1/2 - 2 है प्लस 1/2 क्या है? -2 इस प्रकार से। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के लिए आप यदि लॉजिकल भी सोचते हैं तो चलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड में कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3/2/4 - 2 इसे क्या करना है? प्लस 2 करना है, तो ये हो जाएगा 3/4+2, प्लस 2 नहीं होगा, जरा सा समझना होगा, 4 ऊपर और 3 नीचे आएगा, तो 4/2/3/2 इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको चेंज किया जाएगा, तो जल्दी से बताएगा कितना आएगा, 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे, तो 3/2 हो जाएगा और नीचे 2/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से प्लस करके लिखा हुआ एक और चीज है -2, उसको भी सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा नीचे, इस प्रकार से। आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4/2 कितना हो जाएगा? 16। 3/2 कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार से, इसी प्रकार से 3 3 = 9 हो जाएगा, और 2/2 कितने आ जाएगा? 4 प्लस 2/2 मतलब 4/1 में जाएगा 1। एलसीएम लेते बनता है आपसे, बहुत बढ़िया, आपसे तो बनता है, तो ये आ जाएगा 36 आ गई, 36 आ गया तो और भी बढ़िया हो गया। 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है? तो 9 की टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स में, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 × 4 प्लस का साइन है, नीचे 4 लिखा, 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आता? 9 टाइम्स में आता, 9 टाइम्स में, तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई, 9 × 9 हो जाएगा प्लस 1 की टेबल में 36 कितनी बार में आएगा? तो 1 की टेबल में 36 टाइम्स में आएगा, तो ऊपर 36 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, जल्दी से सॉल्व किया जाएगा भाई। 16/4 क्या होता है? 64, 99 क्या होता है? 81, लेकिन 36/4 क्या? 36 की टेबल बनती है क्या? नहीं, मुझे भी याद नहीं है, तो जल्दी से 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 4 6 = 24 * 2 4 = 12 + 2 कितना हो जाएगा?
अपॉन में आ गया 36। यदि आप प्लस करना चाहे तो आपसे प्लस करते बनता है हाँ, तो जल्दी से 64, 81 और 144 को प्लस करते हैं। 448 प्लस 19, 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 कैरी 1 और ये आ जाता है 289। ऊपर आया मेरे पास 289 और नीचे आ गया 36। तो इस प्रकार से मैंने ए और बी क्वेश्चन सॉल्व किए। जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके ताकि मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूं। ठीक है, वीडियो को पॉज किया कीजिए जब आप सॉल्व कर रहे हो। आपने नोट डाउन कर दिया होगा तो भाई आप समझ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्व करते चल रहे हैं, बस आंसर आता जाएगा। नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। नोट करने के बाद अब क्या, 8 का ए हो गया है, 8 का बी हो गया, अब 8 का सी डी करें, फिर ई और एफ करते हैं। तो चलिए सी डी और ई एफ जल्दी से खत्म करते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ सी वाले पर। सी वाला क्वेश्चन जिस प्रकार से लिखा हुआ मेरे पास, बॉक्स बना हुआ है, लिखा हुआ है ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट है मेरे पास, फिर लिखा हुआ है -1/3 की पावर 2, -1/3 की पावर 2, फिर ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर है -2, फिर अपने पास एक और ब्रैकेट क्लोज किया गया है, पावर है -1। इस प्रकार से क्या आपको मैंने पहले बताया पावर की पावर हो तो पावर पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। हाँ, तो आपसे बनता है ये हो गया -1/3 और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, पर माइनस माइनस जाएगा प्लस, प्लस का आ गया 4। ये लिखना उचित होगा। और आगे सॉल्व करना चाहूं तो -1 की पावर 4 करेंगे, -1 × -1 × -1 × -1, सबको ब्रैकेट में लेके ताकि साइन की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 1 - 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 3 का भी करना है, 3 × 3 × 3 × 3। तो जल्दी से -1 - -1 1 1 क्या 1 1 1 क्या 1 1 1 क्या 1, -1 + +-, फिर से हो गया प्लस, तो प्लस का आ गया 1। नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये आंसर बन गया आपसे 1/81। क्या क्वेश्चन रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है आपकी। तो डी वाले पर आ जाऊंगा, डी वाला क्वेश्चन करते हैं, 5 की पावर 2 - 3 की पावर 2। क्या लिखा हुआ है ध्यान देंगे, क्वेश्चन कठिन तो नहीं, 5 की पावर 2 - 3 की पावर लिखा हुआ है 2। आगे लिखा हुआ है -4/3 की पावर -3, -4/3 की पावर -3। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन सरल, ज्यादा क्या करना, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। चलिए बन जाएगा आपसे। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, इंटू में चूंकि ये माइनस में लिखा हुआ तो माइनस वाले को क्या करना चाहूंगा मैं, प्लस करना चाहूंगा, तो ये 3 ऊपर 3 की पावर 3 ऊपर और 4 की पावर 3 नीचे, और पावर हो गई -3, क्या हो गई प्लस में, तो नंबर ऊपर नीचे कर दिए। बहुत बढ़िया आपसे बन गया। 25 में से 9 घटाते बनता है क्या, 25 में से जल्दी से 9 घटाएगा कितना आएगा, 25 में से आपने 9 घटा लिया होगा, आपको पता चल गया कि 16 आता है, 16 × 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 3 जा 9 3 जा 27 27 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4, तो 4 4 जा कितना होता 16, तो मैं कह रहा हूं 16 × 4। हां भाई ऐसा तो मैं लिख सकता हूं, बहुत बड़ी, तो 16 को 16 से कैंसिल कर दिया जाए, क्या बचेगा इंटू में 4 बचेगा, तो आंसर आता अपने पास 27/4। तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन भी बन गया, ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी से छोटे छोटे से जल्दी से नोट डाउन करें, नोट डाउन करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ भाई, भाई बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आपने नोट डाउन भी कर लिया अभी तक तो आप पॉज करके नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना है और आगे करना है, क्योंकि आपके वीडियो जल्दी से जल्दी बनेंगे तो आपसे मैथ जल्दी से जल्दी बने लगेगी। चलिए आ जाते हैं अपन डी वाले क्वेश्चन पर, सी डी, डी तो हो चुका ना हमारा, तो अब आ जाते हैं ई वाले क्वेश्चन पर। ई वाला क्वेश्चन जो मेरे पास है लिखा हुआ उसे सॉल्व कर दो, 1/5 की पावर -1, जो लिखा है उसे नोट डाउन कर ले मैंने, 1/5 की पावर क्या है -1। इस प्रकार से इंटू -25 की पावर -1 इंटू -25 की पावर क्या है -1। इस प्रकार से इसको और आगे लिखा हुआ है, इस पूरे की पावर भी -1 है, इस पूरे की पावर क्या है -1। भाई सॉल्व करना आसान है आपसे बनता है, आप समझ रहे हैं, तो इसको यदि मैं सॉल्व कर दू 1/5 की पावर -1 है, इसे यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 1 / 1 की पावर 1, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये भी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये 1/-25 हो जाएगा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अपन ये 1 ना भी लिखू तो चल जाएगा, और मैं -1, बहुत बढ़िया। 5 ये माइनस का ध्यान रखिए, क्या मैं माइनस ऊपर लिख सकता हूँ, हाँ मैं माइनस ऊपर लिख सकता हूँ, क्या 5 की पावर बनती है, बहुत बढ़िया आंसर तो बनती है, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ऊपर है क्या -1 और नीचे है 5,
इस पूरे की पावर कितनी है? माइनस वन। तो सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे पलट जाएंगे, फाइव ऊपर वन नीचे, तो ये जाएगा माइनस फाइव, और आंसर आ गया अपने पास माइनस फाइव अपॉन वन। नहीं लिखोगे नीचे मत तो चल जाएगा। बहुत बढ़िया, आपसे ये भी बन गया, ई वाला बन गया। तो एफ वाला कौन सा कठिन है भाई? एफ वाला भी बनी जाना चाहिए। एफ वाले पर आते हैं, वन अपॉन थ्री की पावर टू की पावर माइनस टू, इतना मजेदार है ना। तो चलिए करते हैं, वन अपॉन थ्री की पावर कितनी लिखी भाई? वन अपॉन थ्री की पावर, वन अपॉन थ्री की पावर थ्री, उसकी पावर माइनस टू, वन अपॉन थ्री की पावर थ्री और उसकी पावर है माइनस टू। और आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू की पावर टू, मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू की पावर टू, इस प्रकार से। आगे प्लस है, प्लस लिखा हुआ है, नहीं 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 डिवाइड है ये, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करना है? ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाय टू अपॉन थ्री की पावर माइनस वन, और उसकी पावर भी है क्या? वन। तो लिखते हैं टू अपॉन थ्री की पावर माइनस वन, और उसकी पावर भी क्या है? वन। पावर वन लिखने की क्या जरूरत थी भाई, जब इतना आसान सा सवाल है। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व करेंगे। वन अपॉन थ्री, पेंसिल में कह दू, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको मालूम है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। वन अपॉन थ्री कितना हो जाएगा? थ्री टू या सिक्स, तो ये हो गया माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू की पावर टू है, लिख देते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो थ्री अपॉन टू की पावर टू है, इसे ऐसे ही नोट कर ले भाई, थ्री की पावर टू और टू की पावर टू भी तो कह सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय पावर माइनस वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पलट जाएंगे ये, थ्री ऊपर चला जाएगा और टू नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन सिक्स की पावर माइनस सिक्स है, मैं चाहता हूँ प्लस सिक्स हो जाता, थ्री ऊपर कैसे थ्री हो जाता ऊपर, प्लस सिक्स में वन आ जाता नीचे, प्लस सिक्स में वन ना भी लेके चल जाएगा। बहुत बढ़िया, आपसे ये बन गया। आगे बढ़ता हूँ, इंटू में थ्री की पावर टू है, डिवाइडेड बाई टू की पावर टू है, डिवाइड की जगह क्या कर सकता हूँ मैं? मल्टीप्लाई, आपको बताया फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई, टू ऊपर वन नीचे चला जाएगा, थ्री नीचे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, टू की पावर वन ऊपर है, टू की पावर थ्री की पावर वन नीचे है। अब आगे बढ़ते हैं, तो थ्री की पावर सिक्स और थ्री की पावर टू है, कितना हो जाएगा? थ्री की पावर एट डिवाइडेड बाय टू की पावर टू, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? टू की पावर वन अपॉन थ्री की पावर वन। चूंकि अपन थ्री की पावर एट से थ्री की पावर वन डिवाइड कर रहे हैं, तो एट में से पावर वन माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैंने पहले बताया डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाती है, ऊपर हो जाएगा थ्री की पावर सेवन और नीचे आ जाएगा टू की पावर वन। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं कि इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से मैंने 2.2 का ई एफ करके एट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है, एट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसे नोट डाउन करें, जब तक आप आगे बढ़ेंगे, जब तक इसे कॉपी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए और भी बहुत ही मजेदार वाले अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके, मजा आएगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।